12 एकड़, 12 एकड़ रेनी सीजन का व्यू है समर का, आपको मैं दिखा दूंगा। जब बाजू में डेवलपमेंट चालू था ये फार्म हाउस का, आप देख सकते हो पूरा सह्याद्री हिल्स का व्यू है इसको, पूरा फॉगी क्लाइमेट रहता है। नासिक से खाली 87 किलोमीटर है, थाना से 90 और मुंबई से 110, तो ऐसी कंटूर वाली जगह पूरी डेवलप्ड एरिया के बीच में, दोनों साइड फार्म हाउस है आप देख सकते हो, दोनों साइड इन लोग ने खेती किया हुआ है। रीसेल प्रॉपर्टी है सिंगल फैमिली की और रेट खाली 10,60,000 पर एकड़ है, नॉन नेगोशियबल रेट्स है। मैं रेट्स में कभी भी नहीं करता हूँ। ये देखिए जगह के अंदर भी इधर खेती है, और जैसे हरदम बोलता हूँ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज़ अर्थ, ये टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी आपको मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। रोड का बहुत बड़ा फ्रंट है, आप 2 जन 3 जन 4 जन मिलके भी ये जगह ले सकते हो, मगर अपन ये पूरा 12 एकड़ ही बेच रहे हैं। जगह के अंदर पहले छोटी पाइपलाइन थी, अभी और बड़ी पाइपलाइन आ गई है। ये आप जगह और रोड के बीच में देखोगे तो पाइपलाइन दिखेगी आपको, ऑलरेडी पहले भी पानी का कनेक्शन था इसको। ये वाटरफॉल का व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है, जो इन्फिनिटी पूल वगैरह बनाना है तो इसके जैसा लोकेशन नहीं मिलेगा आपको। एक बार विजिट करके आप देख लीजिए, समर का वीडियो भी आप देखिए। डांबर रोड टच, 12 एकड़, सिंगल फैमिली, पानी का कनेक्शन आपने देखा अभी जस्ट उसका मैंने भेजा। ये फार्म हाउस, उस एक साइड फार्म हाउस है, एक साइड दूसरा फार्म हाउस है, दोनों के बीच में वो पेड़ उधर तक एंट्री है, लाइट आया हुआ है, पाइपलाइन ये कनेक्शन गया हुआ, पाइपलाइन का पानी का नीचे से, तो पानी जितना चाहिए आप ले सकते हो। दोनों साइड फार्म हाउस के बीचों बीच ये कंटूर वाली जगह है, पहाड़ जैसा कंटूर है, पत्थर है अंदर, पूरे ज़्यादा पत्थर नहीं है मगर पत्थर है भी अंदर है, मगर उस चीज़ का कंटूर का बहुत अच्छा फ़ायदा ले सकते हो आप। वो पत्थर से आप उसके ऊपर ब्लास्ट करके आप कुछ वाटर पाउंड बना सकते हो, उधर बंगलोस बना सकते हो, आजू बाजू पूरी ग्रीनरी है, अंदर पाइपलाइन गया हुआ है। रोड के राइट में आप देखोगे जिधर से एंट्री है नीचे पानी का पाइपलाइन गया हुआ है, तो पानी आपको 12 घंटा पानी मिलेगा, तो जो चाहिए आप उसके ऊपर उसका यूज़ ले सकते हो। इधर आगे सब जो खड्डे खोदे हुए हैं, इधर भी नए प्लांट्स लगाने वाली है गवर्नमेंट, तो और भी इधर भी रोड के साइड में प्लांट्स आने वाले हैं, तो चीज़ बहुत अच्छी सी बनने वाली है। ये पेड़ तक एंट्री है, एक जो गाड़ी खड़ी है इसके बाजू में एक जरी मारा हुआ जेसीपी से आपको दिखता है। ये बाजू में वाला का प्लॉट है, लग के ऊपर से मैंने वीडियो लिया है, जगह के अंदर खड़े ऊपर से देख रहा आपको सामने रास्ता है पूरा, ये रास्ता है अंदर से मैंने वीडियो लिया हुआ देखने के लिए कि आपको अपना जगह का कंटूर कितना मस्त दिखेगा। पूरा वैली व्यू है, पहाड़ देखिए, इस जगह का सबसे बड़े पहाड़ देखिए, 3D व्यू, बहुत ब्यूटीफुल 3D व्यू है पहाड़ का। मतलब आप इधर सब अच्छे खासे 10-15 जन मिलके कोई बंगलो बना दिए और सबको ये व्यू मिलेगा। इस जगह का सबसे बड़ा खूबसूरती है ये व्यू, बहुत ज़बरदस्त व्यू है जगह को। ये बाजू में बीच में एक वाटर कैनल जाता है जो बारिश में बहता रहता है, उसका फ़ायदा ले सकते। व्यू देखिए आप, माउंटेन का व्यू देखिए, खाली मैं बार बार आपको ये माउंटेन का ही व्यू बताऊंगा क्योंकि ये जगह का सबसे बड़ा खूबसूरती है। ये कसारा स्टेशन से हार्डली 20 के 22 किलोमीटर रहेगा, हार्डली बाजू में ये सबसे बड़ी मस्त खेती की है उन्होंने, पूरी लाल मिट्टी का लेवलिंग किया हुआ है, मिट्टी भर के डाला हुआ जगह के ऊपर। मेरे को बार बार आपको ये पहाड़ी दिखाने का मन करता है क्योंकि इसका व्यू ही बहुत ब्यूटीफुल है, बारिश में तो एकदम हैपनिंग बन जाता है ये जगह, जन्नत। यही बाजू वाली जगह का वापस आपको वीडियो ले रहा हूँ, पूरा आगे से पीछे तक इन्होंने पूरी लाल मिट्टी को
जेसीबी से लेवल कर दिया है और जिधर कम गिरती थी मिट्टी उधर बाहर से मिट्टी भी डाल दी है। ये काम अपन भी कर सकते हैं। ओपन टू स्काई जगह है पूरी, पहाड़ का व्यू है, डांबर रोड टच, कम से कम 100-200 फुट का फ्रंट है, पहाड़ भी एकदम 3D व्यू जैसे पहाड़ है, बहुत अच्छा लोकेशन है। ऐसे लोकेशन 12 एकड़ सिंगल फैमिली का कम मिलता है। रीसेल प्रॉपर्टी 3D व्यू, पर्टिकुलरली आप देखिए 3D व्यू, यही रोड से एंट्री है, मैं वापस रोड पे आ गया हूँ। ये रोड के इधर देखिए, जो बाजू में जेसीबी घुमाया है उसके बाजू में जरी मारा हुआ है अपन ने, ये जैसे जरी है इससे डिवाइड होती है जगह, जेसीबी से खड्डा खोदा हुआ है जगह का मार्किंग के लिए। ऊपर लाइट आया हुआ है, ये खड्डे खोदे हुए हैं इधर इन्होंने गवर्नमेंट ने, ताकि और पेड़ डाल सके। आजकल तो मेरे पास एक कंसल्टेंट है, अगर पत्थर की जगह है, पूरी पत्थर की नहीं, जैसे अभी ये जगह है इधर भी आपको प्लांटेशन करना है तो आपको प्लांटेशन करके दे देंगे, उनके पास एक अलग टेक्नोलॉजी है उसका। तो पूरी जगह ये जो दिख रही है आपको पूरी उपजाऊ बन जाएगी। और ये कंटूर हर बार नहीं मिलता है, जो ऊपर नीचे है, एक एक ऊपर नीचे आप बंगलो बनाओगे ना, पूरा बहुत ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा इसको। मतलब रोड लग के पहाड़ है, कंटूर वाला है, माउंटेन वैली व्यू है, अपना भी आकर ऊपर चढ़ रहे हैं माउंटेन के ऊपर। बाजू का भी मैं वीडियो बताते जाऊंगा, जिन्होंने लेवलिंग किया है पूरा जगह को। अलग अलग शौक रहते हैं हर एक जन के, कोई लेवलिंग करके रखता है, कोई जैसा कंटूर है वैसा ही उस जगह के साथ में खेलता है। और मैं तो खुद सजेस्ट करता हूँ कि नेचर के साथ में जैसा उन्होंने कंटूर में पहाड़ बनाया वैसा खेलो। इन्होंने तो पूरी मिट्टी से पूरा जेसीबी घुमा के एकदम खेती के लिए तैयार कर दिया उनकी जगह को। अपनी जगह का एक स्लोप लेवल है, आप देख रहे हो पूरा एकदम, ऐसा नहीं कि एकदम स्लोप है, कंटूर में जगह ऊपर से थोड़ी नीचे, ऐसा पूरी जगह को पीछे से जरी मारा हुआ है, साइड से भी जरी मारा हुआ है, दो फार्म हाउस के बीच में है। इधर सब जगह जल्दी चली जाती है कारण ये पहाड़ का व्यू के कारण। और इधर कसारा स्टेशन हार्डली आधा घंटे में आप कसारा स्टेशन से इधर पहुँच सकते हो। तो लोकल रेलवे स्टेशन है जो बॉम्बे से CST से कसारा के लिए ट्रेन जाती है, अभी तो स्पीड भी अच्छा खासा 1-1 घंटे का हो गया है, तो जल्दी पहुंच सकते हो। अब ये जगह के अंदर ही अपन घूम रहे पूरा। ये जो सामने साबर के झाड़ लगे हैं वो ये लास्ट बाउंड्री है, मतलब जगह के अंदर जाने के बाद राइट में साबर के झाड़ की बाउंड्री है एंड है, लेफ्ट में दूसरा जो लाल मिट्टी वाला, ये लाल मिट्टी वाला इसकी बाउंड्री है, और बीचों बीच ये जगह है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक दिख रहा है आपको वापस ऊपर से, मैं आपको ये नदी रोड का व्यू दिखा रहा हूँ, बाजू बाजू में पूरी ग्रीनरी है वो भी आपको बता रहा हूँ। तो बहुत अच्छी चीज़ है, रीसेल प्रॉपर्टी है और डिस्ट्रेस में है, बहुत सस्ते में छोड़ रहे हैं, उनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ चुकी है। तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, आप इसको अभी कैसे उपजाऊ बना सकते हो अलग अलग टेक्नोलॉजी से, रेन हार्वेस्टिंग करके भी। आप सबसे बड़ा पानी का तो आपका इसके अंदर ये सुविधा हो सकता है कि आप क्षेत्र तालाब का एप्लीकेशन देके गवर्नमेंट से 100% सब्सिडी लेके 1.5 लाख का क्षेत्र तालाब बनाया तो मस्त आपका एक पाउंड का पाउंड हो जाएगा अंदर। ये पूरी लाल मिट्टी वाली जगह है, ये सामने ये पाइपलाइन की तरफ अपन जा रहे जो पानी की पाइपलाइन गई हुई है, ये सामने जो दिख रहा है ये एयर कटर है जिधर से। और वापस आपको ये पहाड़ का व्यू दिखाना चाहता हूँ, जो बार बार मेरे को सबसे खूबसूरत एकदम आप चीज़ देखिए, ये जगह का सबसे बड़ा USP है ये पहाड़। सेकंड, लोकल रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी है, इसको खेती के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते हो जगह को, क्योंकि इसके अंदर पत्थर भी मिक्स है। हाँ, मगर इसको आप फार्म हाउस बना सकते हो, आम के झाड़, काजू के झाड़ वगैरह वो सब लगा सकते हो। तो उनका एक टेक्नोलॉजी से आपको वो एक पूरा फार्म हाउस का फार्म हाउस बन सकता है। और ये थोड़े माउंटेन पे होने के कारण एक पूरा फॉग भर जाता है बारिश में, ठंडी में पूरा एक अलग ही नज़ारा बन जाता है। तो 12 एकड़ सिंगल फैमिली माउंटेन वैली व्यू
कसारा रेलवे स्टेशन के बाजू में बहुत बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। थैंक यू।